हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। तो वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा मुंबई यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अभी भी कंफ्यूजन ही है बेचारों के लिए, बिकॉज अभी भी इनको पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम्स ऑनलाइन होगी क्या ऑफलाइन होगी। बिकॉज 23 फेब को फाइनल सर्कुलर आ गया कि आपके एग्जाम्स कौन से मोड पर होगी। वो सर्कुलर इतना बड़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के, लेकिन उनका तो उसमें डिसीजन कुछ आया ही नहीं। आई एम राइट। सो अगर मैंने आपकी मन की बात जान लिया हूँ फ्रेंड्स, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मेरे माइंड में क्या चल रहा है आपके एग्जाम्स को लेके, ऑनलाइन होगी क्या ऑफलाइन होगी, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले। तो देखो, इससे पहले, शुरुआत करने से पहले, प्लीज़ आप मुझे एक लाइक दे दो। आपके एक लाइक से और मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द मैं अपने विचार आपके सामने लेके आता रहूँ, और ताकि आपको भी लगे हाँ भाई हमारे बारे में भी कोई तो सोच रहा है। ओके, तो देखो सभी के डिसीजन आ गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के जो भी थे सभी के, लेकिन फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स होने वाले थे उसको भी रोका गया है। इसके पहले मैं बता दूं कि एक दो अपडेट और आया था कि फाइनल डिसीजन को क्यों रोका गया था थर्ड ईयर के या जो भी फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी भी कहीं आउट ऑफ है, जो ST बसेस थी अवेलेबल नहीं थी, बंद थी, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स आ नहीं पाए थे। एक वो उन्होंने रीज़न बताया था, और दूसरा ये बताए थे कि हमको जो डेटा मिलेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे डिसीजन लेंगे। दो डिसीजन था, लेकिन ये सब तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी तो होता ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्या वो लोगों के लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? सभी का डिसीजन आ गया तो आपका डिसीजन पेंडिंग क्यों? और मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड है, जो कॉलेज उनके जितने भी है मुंबई यूनिवर्सिटी के, मोस्ट ऑफ द कॉलेज ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए है। स्पेशल थर्ड ईयर के स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से काफ़ी स्टूडेंट्स लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं। आई एम राइट, बच्चे आ रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में बोल दिया गया है आपके एग्जाम ऑफलाइन हो गए। आई एम राइट, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में बोल दिया गया। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं बोल रहा होगा कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन है। थोड़ा समझो आप लोग प्लीज़, टाइम कम है, कॉलेजेस पढ़ा रही ऑफलाइन, तो समझो कि एग्जाम्स भी ऑफलाइन मोड पर हो सकते हैं। मैं ऐसा श्योर नहीं हो रहा आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, लेकिन कॉलेजेस आपके स्टार्ट हो गए थे दिसंबर में, कॉलेज स्टार्ट हो गई थी, आपके लिए थोड़ी 15-20 दिन का ब्रेक मिल गया था, वो कोरोना के चक्कर में फिर बंद हुई, लेकिन फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। डैट मीन्स आफ्टर द 5th सेमेस्टर, जो 6th सेमेस्टर के आपके लेक्चर से ऑफलाइन मोड पर हुए। जब लेक्चर्स ऑफलाइन मोड पर हुए तो एग्जाम्स ऑनलाइन क्यों? आई एम राइट। लेकिन सर अभी तो हमारे कॉलेज, अगर फॉर एग्जाम्पल 200-300 कॉलेज है, उसमें 50 कॉलेजेस में अगर लेक्चर्स प्रॉपर नहीं है तो कॉलेज का इश्यू होगा। ताकि अभी हर जगह स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर जगह ईच एंड एवरीथिंग सी सब कुछ चालू हो गया है, तो फिर कॉलेजेस भी होगी। स्टूडेंट्स का इश्यू है कि वो कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, वो उनको डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। लेकिन एज पर द कंडीशन जो उन्होंने सर्कुलर रिलीज किया है, तो उसमें इन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया है? ये काफ़ी स्टूडेंट्स और सर को भी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं कि थर्ड ईयर के लिए भी आ जाता, तो एक स्टूडेंट्स को पता चल जाता था और वो उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लेता था। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं कि जो स्टूडेंट्स को अभी भी बोल रहे हैं कि आप ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ाई करते रहो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए अच्छा होगा अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन भी होती है, डिसीजन ऑनलाइन का भी आता है, तो भी आप जब ऑफलाइन की पढ़ाई किए तो ऑनलाइन का एग्ज़ाम देने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आई एम राइट। सेकेंड, अगर आप ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, तो सडनली एग्ज़ाम से खाली फॉर एग्जाम्पल 45 डेज पहले भी सर्कुलर आता है कि आपका एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होगा, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई एम राइट।
सो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसके मैं आपको बोल रहा हूँ। आप ऑफलाइन के समझो कि आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। अब दोनों का 50-50 चांसेस है। अगर कोई अगर आपको बोलता है कि 100% ऑनलाइन होगी एज पर द कंडीशन ये जो आया सर्कुलर उसके हिसाब से, मत 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 प्लीज 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 किसी की भी मत सुनिए। ऐसा मैं भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ही सुनो, लेकिन मैं आपको गलत सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप पढ़ो ही मत। अगर आप पढ़ोगे ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बिकॉज फ्यूचर में आपको जॉब भी तो करना है। जस्ट पास होके क्या कर लोगे आप लोग? एक अगर आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिट है, जॉब के लिए, करियर के लिए, जो भी होगा। ये मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था कि आप अपने ऑफलाइन समझो कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है। अगर ऑनलाइन का सर्कुलर आता है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सर आप ऐसा मत बोलो प्लीज प्लीज कि ऑफलाइन होना चाहिए। देखो ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी को लगेगा, जैसा उनको कंडीशन लगेगी उसके हिसाब से सर्कुलर आएगा, लेकिन सडनली ऑफलाइन का कुछ भी हो जाएगा फाइनल डिसीजन, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना करना पड़े, अभी से इसको समझो कि आपके लिए डिसीजन आया है और करो। ऑनलाइन का आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं, ओके। तो ये मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था, दोनों 50-50 समझ के चलिए। अभी भी अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके पहले 2-3 वीडियो में मुझे आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके अपने कॉलेज के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर डालो। शेयर करने से उनको भी पता चलेगा, और मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपने जितना भी मिनट का सुने हो वीडियो, इच एंड एवरी पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बताया हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ों से आपको ही बेनिफिट होगा जो आपको मैंने स्टार्ट टू एंड बताया हूँ। एक सर्वे मैंने स्टार्ट किया था गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसमें मैंने आपको एक दो ऑप्शन दिया था कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन। वो गूगल फॉर्म के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और देखते हैं कि कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम डिमांड करते हैं कि ऑफलाइन। ओके प्लीज वो गूगल फॉर्म आप भी भरो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो वो गूगल फॉर्म भरने के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। देन जो भी कैलकुलेशन होगा आफ्टर द 1 वीक, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं, आप लोग देखिए, उसके बाद में मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। अभी तक जो डेटा मिला था उसके हिसाब से 97% स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो गए, ताकि सभी स्टूडेंट, 3% अब कौन है पता नहीं, ऑफलाइन के उसका डेटा भी मिल जाएगा हमको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, और अपने ओपिनियन हमारे साथ में प्लीज शेयर कीजिए, और अपने कॉलेजेस के ग्रुप में आपके जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जो थर्ड ईयर में हैं उनके साथ में प्लीज शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक, पहली बार आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगा तो कोई अच्छा सा कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।